जात पात के नाम पर बहुजन समाज को काफी प्रताड़ित किया गया है। सिर्फ गुगल काल ही नहीं बल्कि मुगल काल में भी जाति के नाम पर बहुजन समाज को काफी कुछ सहना पड़ा है। गुगल काल में हैदराबाद के एक बहुजन युवक ने सैयद जाति की मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया था। लड़की के परिजनों ने बहुजन युवक को बीच चौराहे पर पीट पीट कर मार डाला। कहानी गुगल काल की नहीं मुगल काल की भी है। आज से करीब 400 साल पहले मुगल काल में एक लड़का था, उसका नाम था कांता धोबी। जन्म आधारित जाति वर्ण व्यवस्था के कारण कपड़े धोना उसका जन्मजात पेशा था। धोबी समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था, कारण उसके पिता शाही धोबी थे, यानी शाही परिवार का कपड़ा धोने के लिए उनके पास आते थे। कांता अपने पिता की मदद करता था। शाही कपड़े धोते धोते उसे शाही परिवार की शहजादी नूरजहां से प्यार हो गया। नूरजहां भी उसे मन ही मन चाहने लगी। युवक अपने मन की बात कविताओं के माध्यम से कपड़े पर लिखकर चोरी से भेजता रहता। शहजादी कांता की कविताओं से काफी प्रभावित थी। कांता धोबी की कविताएं किसी बड़े नामचीन कवि से कम नहीं थी, लेकिन वो अपनी प्रतिभा का खुलेआम प्रदर्शन नहीं कर सकता था, कारण एक धोबी को कविता शेरो शायरी लिखने की सख्त मनाही थी। मुगलों ने भारत की ब्राह्मणवादी जातिवादी वर्ण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं की, जातीय वर्ण व्यवस्था को जस का तस रहने दिया। कांता धोबी और शहजादी नूरजहां का प्रेम एक दिन सरेआम पकड़ा गया। शाही मौलाना ने दोनों को छुप छुप कर मिलते हुए पकड़ लिया। शाही मौलाना ने कहा, एक नीच जाति के धोबी की इतनी हिम्मत कि वो शहजादी से इश्क लड़ाने की हिमाकत कर बैठे। कांता धोबी ने जवाब दिया, हमने तो सुना था मुसलमानों में जातिवाद नहीं होता। मौलाना ने कहा, मूर्ख तू यह मत भूल, तू एक कुरैशी जाति के मौलाना से बात कर रहा है। कुरैश से जुबान लड़ाना जहन्नुम को दावत देना है, और सुन, हम कुरैश लोगों को खलीफा बनने का जन्मजात आरक्षण हासिल है। कांता धोबी को जंजीरों से बांधकर मुगल बादशाह के सामने पेश किया गया। मुगल बादशाह ने पूरी बात सुनते ही कहा, लाहौल विला कुवत, एक नीच धोबी की इतनी हिम्मत वो शाही परिवार की शहजादी से प्रेम करे। हम मुगल है, हमारे खून में तैमूर लंग का खून है, हम उच्च जाति के विदेशी मुसलमान है। हमारी शहजादी किसी राजपूत से विवाह करे यह हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक नीच जाति के श्रमिक से रिश्ता हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। मुगल बादशाह ने कांता धोबी को मौत की सजा सुनाई। हाथी के पैरों तले कांता धोबी का सर कुचला गया, और कुछ महीने बाद शहजादी का विवाह एक राजपूत मनसबदार से धूमधाम से किया गया। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, खिलजी काल हो या मुगल काल हो, मुस्लिम शहजादियों का विवाह हिंदू राजपूत ब्राह्मण दरबारी मंत्रियों से किया गया है। हम केवल मुस्लिम शासक और हिंदू राजकुमारियों के विवाह के बारे में जानते हैं, लेकिन मुस्लिम शासकों ने भी अपने घर की बेटियों का विवाह राजपूतों के घरों में किया है। अकबर की सेना में मनसबदार मानसिंह का विवाह अकबर की भतीजी और आदम खान की बेटी मुबारक से हुआ था। राजा छत्रसाल बुंदेला ने रूहानी बेगम से विवाह किया था। रूहानी हैदराबाद के निजाम की बेटी थी। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा का रिश्ता हिंदू राजा के साथ हुआ था। बाबर ने अपनी बेटी का विवाह कच्छ के राजा धर्मचंद से किया था। मेवाड़ के जगमल राठौर का विवाह महमूद बेगदा की बेटी से संपन्न हुआ था। मानसिंह के पुत्र
जगत सिंह का विवाह कुतुब खान की बेटी मरियम से हुआ था। मारवाड़ के गज सिंह ने अनारा बेगम से विवाह किया था। अनारा दिल्ली के सुल्तान की बेटी थी। राणा उदय सिंह और आजमगढ़ के राजा ने भी मुस्लिम शहजादी से विवाह किया था। चित्पावन ब्राह्मण बाजीराव पेशवा ने मस्तानी नाम की एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था। लिस्ट तो बहुत ही बड़ी लंबी है, लिखते लिखते किताब बन जाएगी। विदेशी मुस्लिम और सवर्णों के बीच की रोटी बेटी के रिश्ते की गंगा जमुना तहजीब यानी गंगा जमुना संस्कृति सालों से चलती आ रही है। इस तहजीब में किसान, पशुपालक, श्रमिक, कारीगर जातियों को कोई भी स्थान नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जातिवाद का डंक मुगल काल से मुगल काल तक चलता आ रहा है। इसका बहुत बड़ा इतिहास है और जातिवाद ने बहुजन को बहुत प्रताड़ित किया हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।